तो जल्दी जल्दी सभी बच्चों को भी कनेक्ट करें अपने अपने ग्रुप्स में, जितने भी बच्चों से आप कनेक्शन में हैं, जितने भी बच्चों को आप जानते हैं सभी को आप कनेक्ट करें यूट्यूब पर। ओके अभी बस जब सभी बच्चों को मैं शेयर कर देता हूँ ये मैसेज, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। कल तक के लेक्चर देख लिए होंगे सभी लोगों ने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेक्चर सभी लोगों ने देख लिए होंगे बच्चों। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कराएं अपने फ्रेंड्स को, सभी लोगों को। ओके ओके ऑलमोस्ट सभी को शेयर हो चुका है। आप लोग जिस ग्रुप में हो आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हो, बच्चों को बता सकते हो कि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं अभी सेकंड लेक्चर देख रहा था। चलो बहुत अच्छी बात है, थर्ड लेक्चर देख लो अब। ठीक है, अगर सेकंड देख रहे थे तो अब थर्ड देख लो, जल्दी आ जाओ बस। ठीक है, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक चीज़ें हम डिस्कस किए थे स्टोन मैसनरी के बारे में, एक बार फिर से देख लेते हैं। रैंडम रबल, स्क्वायर रबल, पॉलीगन रबल, फ्लिंट रबल और ड्राई रबल। ठीक है, इस तरह से हम लोग मैसनरी को बांटते हैं, और इसमें भी हमारा एक क्लासिफिकेशन कोर्स अनकोर्स हो जाता है। ठीक है, कोर्स अनकोर्स करके हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कोर्स और अनकोर्स में भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों रैंडम रबल होता है। रैंडम रबल आपके पास, आपको बताया गया था क्या होता है, जहां पर लेयर ना डिफाइन हो। रैंडम रबल में बिल्ड टू कोर्स भी होता है, बताया गया था आप लोगों को क्या होता है। स्क्वायर रबल होता है जो अनकोर्स होता है, एक आपका बिल्ड टू कोर्स होता है इस तरह से। ठीक है, स्क्वायर रबल में रेगुलर कोर्स भी होता है। फिर आप लोगों को बताया गया था पॉलीगन रबल मैसनरी होती है, फिर आपको बताया गया था ड्राई रबल मैसनरी होती है, फिर फ्लिंट रबल मैसनरी होती है। इस तरह से आपको चीजें बताई गई थी। एजलर मैसनरी में फाइन टूल, रफ टूल, रॉक फेस, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये लास्ट जो लेक्चर में हमने कल देखा था, यहां पर रुकते हैं, यहां पर रुकते हैं बच्चों। सेम प्रॉब्लम है, साइड वॉइस आती है। ठीक है, मैं चेक करता हूं इसका कोई इश्यू आपका रिजॉल्व कर सकें तो। मेरे माइक से तो कोई शायद प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सेम है। कुछ डिफरेंस आया? ठीक है, कुछ डिफरेंस आया तो बता देना। सार्थक, नमस्ते भाई सार्थक। चलो, और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल से हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं। सब्जेक्ट्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल से हम रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, नया सब्जेक्ट है, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये कहते हैं ईयरफोन में वन साइड वॉइस आती है। ठीक है, चलो मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा कोई। अच्छा, कम हो गई। ओके चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी चेक कर लूंगा मैं इस चीज को ना। हो सकता है मेरे कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो, OBS के सेटिंग में कुछ शायद इशू हो सकता है। ठीक है, और ये हमने कल देख चुके थे। आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रबल मैसनरी कितने सब पार्ट्स में डिवाइड की गई है? क्या आंसर लगाओगे? रबल मैसनरी कितने सब पार्ट्स में डिवाइड की गई है? रबल मैसनरी कितने सब पार्ट्स में डिवाइड की गई है? बच्चों आप लोगों की रबल मैसनरी कोर्स हो सकती है, अनकोर्स हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी रबल मैसनरी और किस किस तरह से क्लासीफाई हो सकती है? रबल मैसनरी में बच्चों आपका फ्लिंट हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है। इसके अलावा आपके पास, पॉलीगन के अलावा आपके पास हो सकता है ड्राई रबल हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों। तो टोटल यहां पर अगर मैं चुनना चाहूं तो मैं 6 के आसपास चुन सकता हूं। ठीक है, इसमें वो कोर्स अनकोर्स में अलग अलग कंडीशंस बना देता है। सी सी सी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगले क्वेश्चन को देखो, इस फिगर के अंदर आप लोगों को दिया गया है, रबल मैसनरी दी गई है बच्चों। ये रबल मैसनरी दी गई है और कोर्स रबल दी गई है। ये क्या दिया गया है आपको?
कोर्स रबल मैसनरी, कोर्स रबल मैसनरी दी गई है आपसे, पूछा गया है कोर्स रबल मैसनरी में, सॉरी कोर्स रबल मैसनरी में ये किस टाइप की मैसनरी है। तीन तरह की मैसनरी रहती है, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। उन तीनों में से ये किस तरह की मैसनरी है, टाइप थ्री, तो बता सकते हो किस तरह की मैसनरी है ये, ये किस तरह की मैसनरी है जो आपके सामने स्क्रीन पर है सभी बच्चे, ये किस तरह की मैसनरी है अगर आप मुझे बता पाए तो। बच्चों ध्यान रखना, मैं फिर से बता देता हूं, ये जो मैसनरी है इसमें सभी लेयर्स की हाइट सेम है, सभी लेयर्स की हाइट सेम है, सभी लेयर्स की हाइट सेम है, एच 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 सभी रद्दों की हाइट सेम है, सभी कोर्सेज की हाइट सेम है, लेकिन जो पत्थर है, पत्थर यहां पर अलग हाइट का है, ये कम हाइट का है, ये ज्यादा हाइट का है, तो पत्थर का जो साइज है वो अलग अलग है लेयर में, तो ऐसी मैसनरी को टाइप टू कहते हैं, याद रखना लिख लेना। यहां पर लेयर की हाइट क्या रहती है, लेयर हाइट क्या रहती है, सेम, लेकिन यहां पर स्टोन हाइट, स्टोन की जो डेप्थ है वो क्या रहती है, स्टोन की डेप्थ रहती है अलग अलग, अलग अलग हो सकती है, लेकिन दो स्टोन को मिलाकर लेयर की हाइट सेम बना ली, ये टाइप टू है। टाइप वन में क्या होता है, लेयर भी सेम, लेयर भी सेम होती है, और बच्चों ध्यान रखना उसकी डेप्थ ऑफ स्टोन भी सेम होती है, लेयर की सेम थिकनेस होती है, मतलब सेम हाइट होती है, सेम थिकनेस होती है लेयर की, और जो पत्थर की डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ स्टोन भी सेम होती है, तो ये हमारा टाइप वन है। टाइप थर्ड मैसनरी क्या होती है बच्चों, टाइप थ्री मैसनरी में आपका जो हाइट है, कोर्सेज की जो हाइट है वो डिफरेंट हो सकती है, कोर्स की जो हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, कोर्सेज की हाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। रद्दों की जो हाइट है वो अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल सही बात है भाई, एसपी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये टाइप टू मैसनरी है, सो बी शुड बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रैंडम रबल मैसनरी शॉर्ट वन फेस स्टोन्स आर, याद रखना बच्चों जो शॉर्ट वन होते हैं वो सीजल ड्रेस्ड होते हैं, अदरवाइज वो हैमर ड्रेस माने जाएंगे, याद रखना सीजल छेनी के द्वारा ड्रेसिंग की जाती है रैंडम रबल मैसनरी शॉर्ट वन में। अगला क्वेश्चन है, जो मैसनरी आप करते हैं बच्चों, मैसनरी आप यूज करते हैं स्टोन मैसनरी, उसमें सीमेंट मोर्टार आप यूज करते हैं, सीमेंट मोर्टार का क्या अनुपात यूज करते हैं स्टोन मैसनरी में, स्टोन मैसनरी के अंदर सीमेंट मोर्टार का क्या रेशियो यूज करते हैं, ठीक है, क्या रेशियो यूज करते हैं बच्चों, आप सभी लोग ध्यान रखना, जो रेशो यूज करते हैं हम लोग 1:3, याद रखना बच्चों 1:3 का रेशो हम यूज करते हैं, क्या रेशो यूज करते हैं, 1:3 का रेशो हम यूज करते हैं, याद रहेगा सभी लोगों को। हेमा जोशी, ए ए नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ध्यान रखना स्टोन मैसनरी में हम 1:3 का रेशो यूज करते हैं। एजलर मैसनरी किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग करती है, एजलर मैसनरी में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता है, एजलर मैसनरी में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता है, एजलर मैसनरी में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता है, क्यों बच्चों, एजलर मैसनरी के अंदर किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता है, यह सवाल पूछा जा रहा है। सार्थक कह रहे हैं सी, याद रखना बच्चों यहां पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, एजलर मैसनरी के अंदर, मैं आप लोगों को बता देता हूं, कई बार एग्जाम में गलत हो जाए उससे पहले ही बता देता हूं, यहां पर ध्यान रखना एजलर मैसनरी, एजलर मैसनरी के अंदर बच्चों पत्थर का जो साइज है, स्टोन की जो डायमेंशन है वह रेगुलर शेप में रहती है, रेगुलर शेप, साइज एंड शेप में बनाई जाती है, तो ऐसे पत्थर जिन्हें रेगुलर साइज और शेप में कट किया जाता है, जिनकी डायमेंशन फिक्स होती है, उसे डायमेंशन स्टोन बोलते हैं, याद रखना दैट इज कॉल्ड डायमेंशन स्टोन। तो कई बार एग्जाम में ये चीजें कंफ्यूज कर देती है, याद रखना ये चीजें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, क्वेरी ड्रेस स्टोन इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, याद रखना डायमेंशन स्टोन, जो आपका एजलर मैसनरी होता है उसमें स्टोन की डायमेंशन बच्चों रेगुलर साइज और शेप में होती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आंसर हमें क्या देना पड़ेगा, डायमेंशन स्टोन, याद रखना।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मैसोनरी ऑक्यूपाइज इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन रबल मैसोनरी एंड एजलर मैसोनरी। रबल मैसोनरी और एजलर मैसोनरी के बीच का कौन है? रबल मैसोनरी और एजलर मैसोनरी के बीच का कौन है, जल्दी से बता दो। रबल मैसोनरी और एजलर मैसोनरी के बीच का कौन है, जल्दी से बता दो बच्चों। रबल मैसोनरी और एजलर मैसोनरी के बीच का कौन है? मैंने कल आपको लिखवाया भी था ये बात, अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार याद दिलाता हूं। एजलर ब्लॉक इन कोर्स, क्या लिखा था नोट्स में? रबल मैसोनरी और एजलर मैसोनरी के बीच में होती है। दिस इज द मैसोनरी विच इज इन बिटवीन रबल एंड एजलर। तो एजलर और रबल के बीच का क्या होता है? एजलर ब्लॉक इन कोर्स। तो क्या आंसर बनेगा हमारे क्वेश्चन का, क्या आंसर बनेगा? एजलर ब्लॉक इन कोर्स, दिस शुड बी द राइट आंसर। एजलर ब्लॉक इन कोर्स, याद रखना यह बात। इनमें से किस प्रकार की मैसोनरी को तैयार करने के लिए ग्रेट स्किल और लेबर चाहिए? किस प्रकार की मैसोनरी को तैयार करने के लिए ग्रेटर स्किल और लेबर चाहिए बच्चों, जल्दी से बताओ ये बात। किस प्रकार की, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर ग्रेट स्किल और स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर लेइंग। याद रखना बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं ड्राई रबल मैसोनरी वह मैसोनरी होती है जिसमें मोर्टार का प्रयोग नहीं किया जाता, मोर्टार का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। इसीलिए इसे ही ज्यादा स्किल से बनाया जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया बच्चों, अब बने रहना। अब बड़ी चीजें समझ आनी शुरू होंगी। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं भी देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी के लेक्चर से तैयार हो जाएं ये चीजें सीखने के लिए। ब्रिक मैसोनरी के अंदर बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ब्रिक मैसोनरी की जब आप दीवार देखेंगे तो आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ऑब्जर्व करनी होंगी, और वो जो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब शांत हो जाएं एबीसीडी वाले, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ब्रिक मैसोनरी जब आप देखते हैं तो कुछ आपको चीजें ऐसी ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे आपका जो भी फेस लंबाई की दिशा में आपको नजर आता है उसे हम स्ट्रेचर का नाम देते हैं। उसे क्या नाम देते हैं? स्ट्रेचर। जो चौड़ाई वाला फेस होता है, जो इस तरह से नजर आता है छोटा फेस, उसे हम हेडर बोलते हैं, याद रखना। जो दो लेयर्स के बीच में ये जॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड बेड जॉइंट, ठीक है। और ये जो आपका वर्टिकली दो साइड बाई साइड ईंटों के बीच का जॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल जॉइंट, याद रखेंगे बात। वर्टिकल जॉइंट और बेड जॉइंट है, बेड जॉइंट हॉरिजॉन्टल माना जाता है। जो बच्चों आपका कोना होगा, कोने में जो दीवार के अंदर पत्थर या ब्रिक लगी होगी उसे क्विनियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्विनियन, जो कोने पर लगी होती है, याद रखना बच्चों। जिस ब्रिक को आधा काट के लगाया जाएगा उसे क्लोजर बोलेंगे, ठीक है। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, लैप क्या होता है? जब ये ईंट किसी दूसरी ईंट पर इतने हिस्से पर टिकी हुई है तो ये इस ईंट का जो लैप है दूसरी ब्रिक पर, मैं आपको इस बात को दिखा देता हूं, इस पेन से दिखा देता हूं। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये हिस्सा लैप कहलाएगा, क्योंकि ये वाली जो ऊपर वाली ईंट है, इसका ये हिस्सा इस वाली ईंट पर टिका हुआ है। दिस इज कॉल्ड लैप। ये इतना हिस्सा लैप कहलाएगा, क्योंकि ये हिस्सा आपकी इस वाली ईंट के ऊपर टिका हुआ है। लॉजिक समझ आया? तो ये बेसिक चीजें हमें देखनी है बच्चों, और वन बाय वन हम सारी चीजों में बड़े डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेचर की। स्ट्रेचर बच्चों ब्रिक के लॉन्गर फेस को कहा जाता है, जो लंबाई वाला फेस होता है, ये साइड से आपको नजर आता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर का जो साइज होता है 19x9 होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। जो साइड फेस होता है उसको स्ट्रेचर बोला जाता है। साइड फेस को क्या बोला जाता है? स्ट्रेचर। क्लियर है पॉइंट? तो साइड फेस को बोला जाता है स्ट्रेचर। अब बात करते हैं बच्चों यहां पर हेडर। हेडर क्या होता है? हेडर होता है फ्रंट फेस, जो सामने से दिखता है ऐसे करके, जो शॉर्टर फेस होता है, दैट इज 9x9 सेंटीमीटर। तो 9x9 सेंटीमीटर, तो ब्रिक का शॉर्टर फेस हेडर कहलाता है। ब्रिक का शॉर्टर फेस क्या कहलाता है? हेडर। याद रहेगा बच्चों हेडर, सभी को पता भी होगा ये जानकारी है। तो इसके बाद लैप। लैप मैंने बताया आपको, दो कर्मागत रद्दों के बीच में जो इस तरह से करके जॉइंट, इस तरह से करके जो एक ईंट दूसरे ईंट के ऊपर रुकी हुई है, टिकी हुई है, दैट इज कॉल्ड लैप। लैप कहते हैं उसे। क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात है, परपेंड। यहां से शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, आपके किसी भी एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लैप एक बार फिर बता दीजिए, विकास राणा कह रहे हैं। लैप एक बार फिर बता देते हैं आपको। लैप का मतलब होता है बच्चों, जब ईंट का कोई हिस्सा नीचे वाली ईंट पर टिका होता है, दैट इज कॉल्ड लैप। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं लैप।
तो अल्टरनेट लेयर्स में जो आपके पास वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं उनके बीच का गैप है, तो ये वर्टिकल ज्वाइंट है, ये भी वर्टिकल ज्वाइंट है, इन दोनों के बीच का गैप क्या हो गया हमारा लैप, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप क्या हो गया लैप, ये वर्टिकल ज्वाइंट है, ये वर्टिकल ज्वाइंट है, इन दोनों के बीच का गैप क्या हो गया लैप। लॉजिक क्लियर हुआ बच्चों? अल्टरनेट लेयर्स में जो वर्टिकल, अल्टरनेट लेयर्स में जो वर्टिकल ज्वाइंट होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बच्चों उसे लैप बोलते हैं, ठीक है, दो वर्टिकल ज्वाइंट के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लैप बोलते हैं, बात समझ आया? ये परपेंड क्या होता है, परपेंड की बात करते हैं बच्चों, परपेंड की बात करते हैं, चलो बात पहले बता दो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, परपेंड की बात करते हैं। और परपेंड की बच्चों जब बात कर रहे हैं हम लोग तो हम एक डायग्राम को अच्छे से देखते हैं, अपने इस वाले डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। परपेंड एक इमेजिनरी लाइन है, परपेंड क्या है बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक रेखा, परपेंड इज ए इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा है बच्चों परपेंड। और याद रखना परपेंड का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं, परपेंड वह काल्पनिक रेखा है जो अल्टरनेट लेयर्स में जो वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं उन्हें जोड़ती जाती है, ध्यान रखना इस बात को, ये वर्टिकल ज्वाइंट्स को जोड़ती हुई जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड, जो वर्टिकल ज्वाइंट को जोड़ती हुई लाइन होती है वो परपेंड कहलाते हैं, इस तरह से ये अल्टरनेट लेयर्स में वर्टिकल ज्वाइंट को जोड़ रही है, ध्यान देना ये वर्टिकल ज्वाइंट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इसके बाद जो भी ये वर्टिकल ज्वाइंट हो गया, ये वर्टिकल ज्वाइंट हो गया, ये वर्टिकल ज्वाइंट हो गया, इन्हें जोड़ते हुए जो लाइन बन रही है इमेजिनरी तो वो परपेंड है, तो ये कंप्लीट लाइन जो अल्टरनेट लेयर्स में वर्टिकल ज्वाइंट्स को जोड़ रही है उसे परपेंड बोलते हैं, याद रहेगा, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन अल्टरनेट लेयर्स ब्रिक वर्क के वर्टिकल ज्वाइंट को कनेक्ट करती है, याद रखना इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो अल्टरनेट लेयर्स में, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो अल्टरनेट लेयर्स में, अल्टरनेट लेयर्स में जो कनेक्ट करती चली जाती है, यहां तो थोड़ा उतना सही नहीं है, वहां पर मैंने दिखाया ये चीज, अल्टरनेट लेयर्स में जो वर्टिकल ज्वाइंट है उन्हें जोड़ती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड परपेंड, उसे हम परपेंड बोलते हैं। अगला आता है बेड, बेड अभी मैंने बताया ब्रिक की निचली सतह को हम बेड कहते हैं, जैसे ये ब्रिक आपकी रखी गई यहां पर इस तरह से फ्रॉग होता है, इस तरह से ब्रिक रखी जाती है और ये निचला हिस्सा कहलाता है बेड, निचला हिस्सा क्या कहलाता है बेड कहलाता है। क्लोजर, क्लोजर का बेसिक अर्थ क्या है बच्चों, क्लोजर बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्लोजर का बेसिक अर्थ क्या है, क्लोजर का बेसिक अर्थ है ईंट को लंबाई की दिशा में काट देना, ईंट को लंबाई की दिशा में कट कर देने को ही क्लोजर कहा जाता है, यदि लंबाई की दिशा में ब्रिक को कट किया जाता है तो उसे क्लोजर कहते हैं, यदि लंबाई की दिशा में ब्रिक को कट किया जाता है तो उसे क्लोजर कहते हैं, ऐसे लंबाई में काट दिया, लंबाई में काट दिया बच्चों, लंबाई में काटने को हम क्या कहते हैं क्लोजर, देख लो यहां पे ये लंबाई है ईंट की और हमने इसे काट दिया है ऐसे दो आधे टुकड़े कर दिए, समझ रहे हो बात को, बीच से हमने ईंट को फुल ब्रिक को बीचों बीच कट कर दिया लेकिन लंबाई की दिशा में, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजर, उसे हम क्या बोलते हैं क्लोजर बोलते हैं, लंबाई की दिशा में काटने को क्लोजर बोलते हैं, जब हम ब्रिक को बच्चों आधा काट देते हैं तो उसे क्वीन क्लोजर कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है क्वीन क्लोजर, तो नाम याद रखना बच्चों क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर का मतलब हुआ ईंट को बीचों बीच लंबाई की दिशा में काट देना, दैट इज कॉल्ड क्वीन क्लोजर। और याद रखना जब ईंट का एक चौथाई हिस्सा छोड़ेंगे तो वह कहलाएगा हमारा क्वार्टर क्वीन क्लोजर या क्वीन क्लोजर क्वार्टर, क्वीन क्लोजर क्वार्टर, समझते हो क्वार्टर, तो वो वाला क्वार्टर नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये क्वार्टर का मतलब है एक चौथाई, ठीक है बच्चों, एक चौथाई वन फोर्थ, बिल्कुल क्वीन क्लोजर, ठीक है भाई, पहले ही मैं आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो पहले ही मैंने लगा रखा है टाइमर, लगा देते हैं आपके, शेड्यूल कर देते हैं आपके लेक्चर्स को, शेड्यूल करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो उसे सेट रिमाइंडर डाल सकते हो, सेट रिमाइंडर डालने से आपको लेक्चर की टाइमिंग पता चल जाएगी, हालांकि मैं 8:30 का टाइम फिक्स करना चाह रहा हूं लेकिन फिर भी लेट हो जा रहा है किसी कारणवश, टाइम तुम्हारा 9:07 के आसपास रह सकता है, ठीक है, तो वो पहले ही चेक कर लिया करो, चैनल के ऊपर मैं लगा देता हूं, सेट कर लेना अपना, सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर देना, सेट रिमाइंडर पे क्लिक करने से आपको बता देगा वो नोटिफिकेशन कि आपका लेक्चर शुरू हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अगले पॉइंट की, अगले पॉइंट को डिस्कशन में लेके आते हैं बच्चों, अगले पॉइंट को डिस्कशन में लेके आते हैं, और ध्यान रखना ये सारा कार्यक्रम हम जो पढ़ रहे हैं, ये सारा कार्यक्रम जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सारा कार्यक्रम हम पढ़ रहे हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए, किसके लिए पढ़ रहे हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो ये हमने क्वीन क्लोजर क्वार्टर क्वीन क्लोजर देखा, क्वीन क्लोजर में आधी ईंट रह जाती है, याद रखना हाफ ब्रिक रह जाती है यहां पर, और यहां पर 1/4 ब्रिक रह जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन था वो, तो क्वीन क्लोजर मैंने बता दिया, याद रखना किंग क्लोजर, ये क्वेश्चन यूके पीएससी जेई में आया था, यूके पीएससी जेई,
लेकिन ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चा नहीं कर पाता है। इस प्रकार ईंट को काटा जाता है कि एक फेस उसकी लंबाई चौड़ाई आधी रह जाए। मतलब ये आपको मैं यहां पर अगर बना के दिखाऊं सही से, ठीक है, सही से मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। अगर ये एक ब्रिक है, अगर ये एक ब्रिक है और आपने इसे काटने का फैसला कर लिया है, आपने इसे काटने का फैसला कर लिया, तो यहां से और यहां से आधा आधा ले लो, इस तरह से आप काट दो। मतलब आपने ये हिस्सा कट कर दिया, तो आपके पास ईंट का जो हिस्सा बचा हुआ, दिस इज कॉल्ड किंग क्लोजर। किंग क्लोजर कहते हैं, याद रखना, ये 3/4 ब्रिक बचती है और यहां से 1/4 ब्रिक तुम बाहर निकाल लेते हो। तो यही क्वेश्चन था आपका 3/4 ब्रिक किंग क्लोजर के बारे में, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका एग्जाम में, अगर आपको याद हो तो, आपको एग्जाम में याद हो तो यही सवाल था कि नहीं सर सिंपल क्लोजर को क्वीन क्लोजर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, ठीक है। बीवेल्ड क्लोजर ये भी एक होता है बच्चों, बीवेल्ड क्लोजर। ईंट को इस प्रकार काटा जाता है कि एक साइड में चौड़ाई आधी से अधिक वह दूसरे साइड में पूरी बनी रहे। इस साइड तो पूरी चौड़ाई बनी रहेगी और इस साइड आधी से थोड़ी ज्यादा है, B/2 से ग्रेटर। याद रखना इस तरीके से काटा गया ईंट को, दिस इज कॉल्ड बीवेल्ड क्लोजर। बीवेल्ड क्लोजर बच्चों, अगर और अच्छे से देखना है यहां देखो, यहां पर आपको ये डायग्राम जो दिखाया गया है, अभी मैं इसे हटा देते हैं। ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाया गया बच्चों, ये बीवेल्ड क्लोजर का है। मेरी बात को जरा ध्यान से देखना, बीवेल्ड क्लोजर में एक विथ तो पूरी बची रह गई, जबकि दूसरी विथ में थोड़ा आधे या आधे से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ईंट का एक हिस्सा अपना निकाल दिया है, ये वाला, बात समझ आया? इस तरह से आपने निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड बीवेल्ड क्लोजर। एक होता है बच्चों मीटर्ड क्लोजर। बीवेल्ड क्लोजर और मीटर क्लोजर में सिर्फ इतना अंतर है, यहां पर ये लेंथ वाला पूरा हिस्सा बाहर निकाल दिया था, लेकिन यहां पर ये विथ वाला पूरा हिस्सा बाहर निकाल देंगे, समझ रहे हो, इस तरह से। और जो ये एंगल आपका होगा, इसे बोलते हैं स्प्ले एंगल। इसे क्या बोलते हैं? स्प्ले एंगल। ये 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच रखा जाता है मीटर्ड क्लोजर के केस में। तो मीटर्ड क्लोजर में जो स्प्ले एंगल है वो कितना रखा जाता है बच्चों? 45 डिग्री से 60 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ आ रही है सभी लोगों को? अगर सभी लोगों को ये बात समझ आई तो बता सकते हैं मुझे। ध्यान रखना बच्चों एक बात फिर से बता दूं आप लोगों को, ये सारे टॉपिक्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से सवाल आते हैं। लास्ट टाइम भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से मोर देन 10 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 100 इन ड्राफ्ट्समैन पेपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। सब कह रहे हैं क्लियर? यस सर, ओके। किंग क्लोजर का उपयोग करते हैं, कहां करते हैं बच्चों? अलग अलग जगह आती है मेसनरी के अंदर जहां किंग क्लोजर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आगे हम जब चलेंगे तो आपको किंग क्लोजर के प्रयोग दिखाएंगे, ठीक है। अगले जब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अलग अलग तरह के बॉन्ड, तो दिखाऊंगा कहां किंग क्लोजर का प्रयोग करते हैं। जनरली कॉर्नर्स वगैरह पे होता होगा, सोच के भी समझ आता है ये। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक ये तो हो गए हमारे क्लोजर। क्लोजर कितने टाइप के हुए? क्वीन क्लोजर, क्वार्टर क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बीवेल्ड क्लोजर और मीटर्ड क्लोजर। मीटर्ड क्लोजर में 45 से 60 डिग्री स्प्ले एंगल बना रहता है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं फिर से बता दूं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री है। ये हॉरिजॉन्टल वाला नहीं है, ये वाला एंगल 45 से 60 डिग्री है, ध्यान रखना ये बात। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, बैट। ये बैट क्या होता है? बैट वो नहीं जो क्रिकेट में यूज करते हैं, वो वाला बैट नहीं है ये। बैट होता है बच्चों जब ईंट को आधा काट देते हैं ना बीच में से, तो उसे बैट बोला जाता है। जब ब्रिक को चौड़ाई, मतलब आप ये कह सकते हैं विथ को लेंथ के अक्रॉस कह लो और चौड़ाई के अलोंग कह लो, तो विथ के अलोंग काटा जाता है। विथ के अलोंग, चौड़ाई के अलोंग, मतलब ये विथ है, विथ के अलोंग मतलब विथ की दिशा में, और लंबाई के अक्रॉस, तो लंबाई के अक्रॉस हो गया। ध्यान रखना विथ के अलोंग और लेंथ के अक्रॉस, याद रहेगा ये बात। ये होता है बैट, और जबकि जो क्लोजर होता है वो इसका अपोजिट होता है, वो विथ के अक्रॉस होता है, लेंथ के अलोंग होता है। तो याद रखना बच्चों, फिर से बता दूं, जो बैट होता है वो अलग है, जो क्लोजर होता है वो अलग है। क्लोजर की कहानी क्या है? क्लोजर होता है विथ के अक्रॉस और लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग। ये क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है बच्चों? हमारे पास
ये होता है हमारे पास बच्चों, आप लोग ध्यान रखना, विथ के अक्रॉस, लेंथ के अलोंग, ये होता है हमारे पास क्या, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये होता है क्लोजर, ये होता है क्लोजर, और ये क्या होता है बैट। याद रखेंगे ये बात, बैट क्या होता है और क्लोजर क्या होता है। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझो, बड़े ध्यान से इस बात को समझो, ब्रिक के कितने बैट हो सकते हैं, हाफ बैट, थ्री फोर्थ बैट, 1/4 बैट। जनरली इस तरह से हम बैट को कट करते हैं। अगर हमने आधा हिस्सा काट दिया तो आपने सुना होगा साइड पे बोलते हैं आधा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने तीन चौथाई हिस्से में से एक चौथाई, मतलब एक चौथाई हिस्सा निकाल लिया और तीन चौथाई हिस्सा बचा, तो तीन चौथाई हिस्से को हम बोलते हैं 3/4 बैट। और अगर आधा हिस्सा, अगर हमने तीन चौथाई काट के अलग रख दिया और आधा हिस्सा यूज किया, एक बटा चार हिस्सा यूज किया, तो उसे बोलते हैं बच्चों 1/4 बैट। याद रहेगी ये बात। तो इस तरह से हम बैट को डिफाइन करते हैं। याद रखेंगे सभी लोग ये बात। कोई डाउट है किसी बच्चे के मन में, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है? ठीक है, तो देख सकते हैं आपके डायग्राम सामने है, हाफ बैट क्या होता है, थ्री क्वार्टर बैट क्या होता है, और बीवेल्ड बैट क्या होता है। बीवेल्ड बैट में भी थोड़ा तिरछा कट करते हैं इस तरह से, ठीक है ना, थोड़ा तिरछा कट करते हैं, स्प्ले देते हैं, थोड़ा सा तिरछापन लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड बीवेल्ड बैट, नो डाउट। ओके, आगे बढ़े, अगले पॉइंट की तरफ चले। बच्चों ध्यान रखना, ये आज आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। जब आप लाइव लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो ये चीजें आपको फ्यूचर में बेनिफिट करने वाली हैं। याद रखना, ब्रिक्स कई बार अलग अलग पर्पस से अलग अलग शेप में बनाई जाती हैं। तो कई बार आपसे डायग्राम दे के ये पूछ लेता है ये किस प्रकार की शेप है, तो उन शेप्स का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ब्रिक की जो शेप्स होती हैं बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रिक की जो शेप होती है सिंगल बुल नोज, मतलब जब एक साइड से इस प्रकार से ब्रिक को स्मूथ कर्व की शेप में दे दी जाती है, सिंगल बुल नोज। अगर दोनों तरफ से ये दे दिया जाए तो डबल बुल नोज। अगर हमने एक साइड से हल्का सा कट दे दिया है, देख रहे हो किस तरह से ईंट बनाई है, तो काउनोज, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, काउनोज। अगर ब्रिक के बीच में इस तरह से कर्वेचर दिया है तो कर्व ब्रिक। अगर हमने बच्चों ऊपर की तरफ इस तरह से कर्वेचर दिया है तो कोपिंग ब्रिक। अगर हमने बच्चों ब्रिक को यहां से थोड़ा अंदर की तरफ डिप्रेस कर दिया है, एक साइड बढ़ा के अंदर की तरफ डिप्रेस किया, तो बर्ड्स माउथ ब्रिक। और अगर हमने साइड में किनारे में थोड़ा सा स्लोप दे दिया है तो कांट ब्रिक। और डबल कांट मतलब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे बाहर निकली हुई है ब्रिक, इधर से भी और उधर से भी, ठीक है, इधर से भी बाहर को निकली हुई है और फिर सीधी है, इधर से भी बाहर को निकली हुई है सीधी है। तो यहां पर याद रखना बच्चों, अगर ऐसे तिकोनी टाइप है तो स्क्विंट। तो ये ब्रिक की अलग अलग शेप है जो आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से ध्यान रखनी है। ये ब्रिक की अलग अलग शेप है बच्चों, जो एग्जाम के पर्पज से ध्यान रखनी है। समझ आया? बिल्कुल। तो ये ब्रिक की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। कोपिंग ब्रिक कैसी दिखती है, कर्व ब्रिक कैसी दिखती है, सिंगल बुल, डबल बुल, काउनोज, कैंट ब्रिक कैसी दिखती है, डबल कैंट कैसी दिखती है, स्क्विंट कैसे दिखती है। तो ये डायग्राम्स कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस तरह की ब्रिक है। ये डायग्राम आपको ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये किस तरह की ब्रिक है। तो उस वक्त आपको बताना पड़ेगा बच्चों ये किस टाइप की ब्रिक है, कैंट ब्रिक है, कर्व्ड है, कोपिंग है, बर्ड्स माउथ है, या डबल कैंट है, स्क्विंट है। तो ये शेप्स बच्चों कहीं ना कहीं आप लोगों को दी जाती है और पूछा जाता है, ठीक है। इतनी हिंदी नहीं चलेगी भाई पवन चमोली। आगे बढ़ते हैं। ये प्लिंथ स्ट्रेचर होता है और ये प्लिंथ हेडर होता है। जब हम बच्चों इस साइड में स्प्ले कर देते हैं स्ट्रेचर की दिशा में, तिरछापन या स्ट्रे स्प्ले कर देते हैं ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं प्लिंथ स्ट्रेचर। अगर हम हेडर की तरफ से, हेडर की तरफ से बच्चों हम क्या कर देते हैं, एक स्लांट दे देते हैं, स्प्ले कर देते हैं, तो प्लिंथ हेडर बोला जाता है। याद रखना। और डॉग लेग ब्रिक कैसी दिखती है, डॉग लेग ब्रिक ऐसी होती है, 90 डिग्री इस तरह से एंगल रहता है, इस तरह से ये आपका एल शेप में रहती है। किस तरह की शेप में रहती है, एल शेप की ब्रिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉग लेग ब्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों, डॉग लेग ब्रिक बोलते हैं। याद रहेगा सभी लोगों को ये पॉइंट्स। अलग अलग तरह की ब्रिक्स के शेप है ये। खैर, अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये कहानी शायद आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आई होगी, या आप लोगों ने कभी इस कहानी में बहुत ज्यादा से दिमाग नहीं लगाया होगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन आते हैं। ओके सर, ठीक है, चलो आगे बढ़े। इस कहानी को जरा देखते हैं बच्चों। देखो ध्यान से देखना। अब जब हम दीवार का पूरा सेक्शन देखते हैं और शुरू करते हैं फाउंडेशन से, कहां से शुरू करते हैं, फाउंडेशन से शुरू करते हैं। फाउंडेशन में सबसे नीचे देखने को मिलता है फाउंडेशन कॉन्क्रीट, सबसे नीचे देखने को मिलता है फाउंडेशन कॉन्क्रीट। उसके बाद बच्चों होता है स्टेप्ड फाउंडेशन, जो ब्रिक वॉल की बनी होती है,
दिस इज कॉल्ड स्टेप फाउंडेशन, स्टेप्ड, जो अलग अलग रद्दों में बनी होती है। इसके बाद आपका ग्राउंड लेवल आता है, और ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पर बच्चों आता है प्लिंथ। याद रखना, जनरली 18 इंच तक हम उठा देते हैं प्लिंथ को ग्राउंड लेवल से, क्योंकि उसका कारण क्या होता है बच्चों, आपके बारिश के दिनों में पानी भर जाएगा अगर आप ग्राउंड लेवल पर ही अपना फ्लोर रख दोगे, तो बारिश बरसात के दिनों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लिंथ लेवल होता है ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल से ऊपर, या ग्राउंड लेवल पर? तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर ध्यान रखना है बच्चों, जो प्लिंथ होता है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, और प्लिंथ लेवल के ठीक ऊपर रखी होती है फर्श। फर्श का मतलब होता है फ्लोरिंग। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये प्लिंथ लेवल पर जो आपको कोर्स नजर आ रहा है, ये डीपीसी का कोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डीपीसी का कोर्स कहलाता है बच्चों, ये डीपीसी का कोर्स कहलाता है, याद रखना ये बात। सिल क्या होता है बच्चों? सिल होता है ये बॉटम पे जो वुडन वर्क हम करते हैं उसका जो फ्रेम होता है वो, ठीक है। और यहां पर बच्चों ये जो लकड़ी की खिड़की लगी हुई है, दिस इज कॉल्ड विंडो फ्रेम। और जो साइड में बच्चों दीवार होती है, और साइड में जो बिल्कुल ओपनिंग के टाइम पर जो दीवार होती है उसे बोलते हैं जैम। रिवील, लिंटल, कॉर्बेल, अभी ध्यान से देखना, डिटेल में देखेंगे। आरसीसी स्लैब, उसके ऊपर फ्लोरिंग हो गई, आरसीसी स्लैब हो गया। ये देखो कॉर्निस, ये क्या होता है? कॉर्निस, फ्रेज, स्ट्रिंग कोर्स, ध्यान रखना, ब्लॉकिंग कोर्स, पैरापेट वॉल, और सबसे ऊपर होता है कोपिंग, टेरेस, और टेरेस के ऊपर क्या है? कोपिंग। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को देखना, इतनी सारी डिटेल है एक वॉल के अंदर, इतनी सारी डिटेल है बच्चों एक वॉल के अंदर, ध्यान रहेगी ये बात, इतनी सारी डिटेल है एक वॉल के अंदर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है बच्चों, क्लियर कट एकदम सभी को बढ़िया नजर आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए सभी बच्चों को, सभी बच्चों को एकदम क्लियर नजर आना चाहिए, और बड़े मजे से समझते रहो, आने वाले एग्जाम में आप लोगों को बच्चों बहुत बेनिफिट मिलेगा इस तरह के लेक्चर्स का। याद रखना, ड्राफ्ट्समैन का ये बैच है, ऑनलाइन बैचेस में ये पढ़ाया जा रहा है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, जिस जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो जल्दी, ठीक है, लाइक कर दो बच्चों, ठीक है। बीच ही बीच में मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ, हमारे जो ऑनलाइन ड्राफ्टमैन के कोर्स हैं बच्चों, काफ़ी बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं, और बड़ी अच्छे से वो कोर्स चल रहा है। आप लोग अगर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करें और आप उस ऐप को डाउनलोड करें, उस स्टोर में जाएंगे तो कोर्स नजर आएगा ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, और UJVNL दोनों कोर्सेज हैं, और तीसरा SSC JEE का कोर्स है, जो आपको सुटेबल है, जिस पर्पज से आप तैयारी कर रहे हैं वो आप कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो कोर्स आप बाय कर सकते हैं। अगर अभी तक कोई डाउट है यहां तक, हाँ क्लास के बाद, ठीक है क्लास के बाद कर लेना, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक लड़के के UBC UKPSC JEE में, भूल जाओ भाई UKPSC, ये अब तुम्हारा कैसे हम समझाएं इस चीज को, चलो खैर ध्यान दो बच्चों, ये है एरिस, एक है आरिश, एक है एरिस, ये एरिस है। आरिश तो वो है जिसका SGVNL में रैंक 1 आया था, PGCIL में रैंक 2 आया था, उसे आरिश बोलते हैं, ठीक है, और ये एरिस है। ब्रिक के किनारे को एरिस कहते हैं, जो ब्रिक के किनारे होते हैं ना बच्चों, ब्रिक वर्क के किनारे होते हैं उसे एरिश बोल देते हैं, याद रखना ये बात। दूसरा होता है क्विनियन, ये जो कॉर्नर ऑफ वॉल होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ वॉल होता है, क्विनियन बोलते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया था एक्सटीरियर एंगल, ये मान लिया कोई ब्रिक है, एक ब्रिक वॉल ऐसे है, एक इस तरह से करके आई, ठीक है, ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर जो है बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड क्विनियन। जब आप इसे बाहर से देखोगे तो दिस इज कॉल्ड क्विनियन, याद रहेगी ये बात। तो ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी, क्विनियन क्या होता है, ठीक है, क्विन क्या होता है ये, सॉरी। टूथिंग देखता, टूथिंग, टूथ मतलब क्या होता है, दांत, दांते टाइप के निकल जाना, दांते से निकल जाते हैं, कैसी दिखती है ये देखो, जब एक मिस्त्री, जब कोई मजदूर मिस्त्री आपका ब्रिक वर्क करता है और उन ब्रिक्स को बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड कर देता है, किधर की तरफ प्रोजेक्टेड कर देता है बच्चों, बाहर की तरफ, इस तरीके से देख रहे हो, ये बाहर की तरफ निकली हुई ईंटे, ये बाहर की तरफ निकली हुई ईंटे देख रहे हो, बाहर की तरफ, ताकि कल को जब कंक्रीट भरा जाएगा तो ये जोड़ बना ले, तो ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है किसी नए ब्रिक वर्क को अपने साथ जोड़ने के लिए,
किसी नए ब्रिक वर्क को अपने साथ जोड़ने के लिए या फिर कंक्रीट के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाने के लिए. दिस इज कॉल्ड टूथिंग. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम टूथिंग बोलते हैं. तो उम्मीद करता हूं ये टूथिंग वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा. ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बच्चों टूथिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. क्योंकि ईंटें जो प्रोजेक्टेड रहती है बाहर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं? टूथिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? टूथिंग. तो टूथिंग क्या है? यदि दीवार का एंड इस प्रकार हो कि अल्टरनेट लेयर्स में ब्रिक बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड हो, ताकि भविष्य में किसी और दीवार को उसी स्थान से आगे बढ़ाया जा सके. अगर फ्यूचर में कई बार कंक्रीट वर्क भी करना पड़ सकता है और कई बार दीवार को वहां से आगे बढ़ाना पड़ सकता है. ठीक है, जैसे हमने बाहर निकाली हुई है ईंटें, तो कई बार दीवार, अगली दीवार जहां से जोड़नी है, तो इसी के बीच में ईंटें लगाकर दीवार को आगे बढ़ा लेंगे. याद रहेगी ये बात? तो जो प्रोजेक्टेड ब्रिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड टूथिंग. उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टूथिंग बोलते हैं. याद रहेगा सभी लोगों को? देखने में समझ आ रहा है क्या होता है? देखो कैसे बाहर को निकला हुआ है ये ईंटें, कैसे बाहर को निकली हुई है. तो प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ, ताकि ये कंक्रीट वर्क के साथ अच्छा बॉन्ड बना ले, क्योंकि ये बीच में कॉलम के लिए रीइंफोर्समेंट लगाया गया है. कोई डाउट यहां तक का किसी बच्चे के मन में हो तो पूछ ले. आगे चलते हैं बच्चों. देखो यहां पर आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, और एक डायग्राम से समझ नहीं आएगा तो दूसरा दिखा दूंगा, लेकिन बात दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छे तरह से सेट कर दी जाएगी. ये इतने सुंदर सुंदर डायग्राम्स जो आप लोगों को दिख रहे हैं बच्चों, इनका अपना ही एक मतलब है, और एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं. एग्जाम में ये चीजें क्या होती हैं बच्चों? आप लोगों से पूछी जाती हैं. ये बेसिक क्वेरीज बच्चों आप लोगों को ध्यान रखनी है. फॉर फ्यूचर कंटिन्यू ब्रिक वर्क, बिल्कुल सही बात है. भविष्य में अगर कोई कंटिन्यू करना है ब्रिक वर्क, या फिर किसी कंक्रीट मैसोनरी के साथ, कंक्रीट के साथ मैसोनरी का प्रॉपर जॉइंट बनाना है, तब भी हम कर सकते हैं. अब बताओ बच्चों, इस्पाल, इस्पाल जो पत्थर के छोटे मोटे टुकड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं, मतलब रोडी. हिंदी में क्या बोल सकते हो बच्चों? रोडी टाइप की जो होती है ना, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, दैट इज कॉल्ड इस्पाल. जैम्ब मैंने बता दिया था. जैम्ब क्या होता है मैंने बता दिया था पहले भी. जैम्ब होता है बच्चों जो ओपनिंग होती है दीवार की, खिड़की आदि के लिए. तो जो ये यहां पर बच्चों, ये जो लास्ट में आपका स्टोन है, दिस इज कॉल्ड जैम्ब. और इसका जो फेस होता है ना, दिस इज कॉल्ड रिवील. ये फेस होता है रिवील, और ये साइड जो होती है इसे बोलते हैं जैम्ब. याद रखना कोरबेल. अब ये कोरबेल क्या है बच्चों? डायग्राम में देखने से नजर आता है, कहां है कोरबेल? ये रहा कोरबेल. ये कोई बच्चों ऐसा प्रोजेक्टेड वर्क है जिसके ऊपर आपने अगले फ्लोर को टिका रखा है. ये कोई प्रोजेक्टेड वर्क है, आप देख सकते हो, कोई प्रोजेक्टेड वर्क है बाहर की तरफ निकला हुआ, जिसके ऊपर आपने किसी ऊपर वाली चीज को टिका रखा है, चाहे फ्लोर हो चाहे जो भी हो. दिस इज कॉल्ड कोरबेल. अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपको यहां समझ नहीं आया तो यहां देखो. ये देख रहे हो ये बाहर को निकला हुआ हिस्सा, ये डिजाइन बना दिया. बुरा लगता ना अगर डिजाइन ना देते ऐसे बाहर को, इसलिए वो डिजाइन बना दिया. तुम सोचते होंगे उसने अपने डिजाइन के लिए किया, नहीं, इसके ऊपर बच्चों आपने ऊपर वाले फ्लोर को टिका रखा है. तो ये जो प्रोजेक्टेड हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड कोरबेल. इस तरह से आप लोगों को चीजें समझ आएंगी बच्चों. अदरवाइज आप लोग सोचते रह जाते हैं जी कोरबेल क्या होगा, क्योंकि हमारे घरों में तो है नहीं भाई. महल थोड़ी बनाया था हमने, कोई राजा थोड़े ही थे हम. हमने तो सिंपल एक दीवार, एक ऐसे लिंटल ऐसे डाल के बैठ गए अंदर. जो पहले टाइम में आप देखते थे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे. और यहां पर कोई स्टोन होगा या कोई भी प्रोजेक्टेड वर्क है जिसके ऊपर ऊपर का फ्लोर टिका हुआ है, या ऊपर का जो भी चीज आपका जा रहा है, जॉइस्ट वगैरह, वो टिका हुआ है. दिस इज कॉल्ड कोरबेल. ये प्रोजेक्टेड हिस्सा क्या कहलाता है? कोरबेल. देख रहे हो कितना बेकार सा दिख रहा है ये क्या शेर टाइप का बना रखा है? होंगे शौक किसी के, बनाए होंगे मजे से. ठीक है, आजकल तो बच्चों ईंट का घर बनाना महंगा हो गया है, शायद पहले भी राजा महाराजा ही बनाते होंगे. खैर, समझ आया सभी को? सर जी, ड्राफ्ट्समैन और UJVNL के कंबाइंड कोर्स है या अलग अलग है? क्योंकि सर जी मैंने दोस्त को लेना था, मेरे दोस्त को लेना था, लेकिन उसने ड्राफ्ट्समैन का फॉर्म नहीं भरा है, ओनली UJVNL. तो UJVNL का ले सकता है. UJVNL का कोर्स है बच्चों 3500 का. ठीक है, वो 7 months की वैलिडिटी है, उसमें ड्राफ्ट्समैन तो कवर है ही, लेकिन UJVNL का पूरा सिलेबस कवर है. क्योंकि UJVNL के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो ड्राफ्ट्समैन में नहीं है, लेकिन जितना ड्राफ्ट्समैन में है वो सारा UJVNL में है. तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं UJVNL की, ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम जो अगले 3.5-4 महीने में होगा, उसके बाद तुम्हारा कराया जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना ये बात. जो UJVNL का कोर्स है उसकी तैयारी कराई जाएगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है. समझे? तो ये आपका मैंने क्या दिखाया आज इस डायग्राम में? सभी बच्चे बता दे क्या दिखाया है ये डायग्राम में. नमस्ते भाई निशांत सिंह. ये डायग्राम में मैंने दिखाया बच्चों कोरबेल. इसका नाम क्या है? कोरबेल. तो कोरबेल क्या है? जॉइंट, जॉइस्ट, जॉइस्ट को टिकाने के लिए, जॉइस्ट है वो, जॉइस्ट या बीम को टिकाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है प्रोजेक्टेड स्टोन,
को कोरबेल कहते हैं, जो प्रोजेक्टेड स्टोन है उसे कोरबेल कहते हैं। इस तरह से प्रोजेक्टेड रहता है, इसके ऊपर ऊपर जॉयस्ट टिका रहता है या जो भी चीज वहां पर है वो टिकी रहती है, तो बीम टिका रहता है इसके ऊपर। ये जो प्रोजेक्टेड वर्क है दीवार में बाहर की तरफ निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड जॉयस्ट। अच्छा, गैबल क्या होता है बच्चों? गैबल होता है ट्राइंगुलर शेप में जो मैसनरी होती है उसे गैबल बोलते हैं। कैसा दिखता होगा गैबल? गैबल ये है, ये देख रहे हो ट्राइंगुलर शेप की मैसनरी, दिस इज कॉल्ड गैबल। ये जो ट्राइंगुलर शेप की मैसनरी है दिस इज कॉल्ड गैबल। ये आगे जब हम डिस्कस कर रहे होंगे बच्चों रूफ, तो वहां बड़े इंपॉर्टेंट बात आएगी, गैबल क्या होता है या गैबल रूफ क्या होती है। ठीक है, अलग अलग तरह की रूफ होती है, वो सारी हम वहां डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन जो ट्राइंगुलर शेप में स्टोन मैसनरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गैबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? गैबल। तो बच्चों मजा इसीलिए आएगा क्योंकि जो चीज पढ़ा रहा हूं उसका डायग्राम उसके साथ दिखा रहा हूं। कोरबेल पढ़ाया तो पहले सिंपल लाइन डायग्राम जिसमें जॉइस्ट और आपका प्रोजेक्टेड स्टोन है, लेकिन उसके बाद मैंने आपको एक ये दिखाया, एक ये एग्जांपल दिखाया जो बाहर को निकला हुआ है। अब बाहर को निकले हुए स्टोन को आपने कुछ ऑर्नामेंटल सजावट का काम कर दिया आर्किटेक्चर के कहने पर, अदरवाइज ये था क्या? कोरबेल, कोरबेल था ये। ठीक है बच्चों, बात समझ आई। अगला है कॉर्निस। बड़ा ही अजीब सा नाम है कॉर्निस, कोरबेल। लेकिन समझ कैसे आएगा बच्चों? जब आप इसके बारे में समझोगे तब आपको समझ आएगा। अच्छा, मैं तुम्हें कहता हूं यार डेफिनेशन मत पढ़ो, एक काम करो तुम एक इमेज देख लो और उस इमेज से देखो समझ आया कि नहीं आया। जरा ध्यान से देखो क्या है ये। ये सीलिंग जो छत है आपकी और जो दीवार है उनके जंक्शन पर किया गया एक कार्य है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निस। ये क्या कहलाता है? कॉर्निस। बात समझ आई कि नहीं आई? कॉर्निस क्या होता है बच्चों? क्या आप लोगों को समझ आया व्हाट इज कॉर्निस? हरीश, भदुनी का रात 10 बजे गुड इवनिंग हो रहा है, गजब लोग हैं ये, कहां से आते हैं? भाई निशांत, अंग्रेजी ज्यादा पढ़ लिए लगे यूकेपीएससी में है? अंग्रेजी ज्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना? अदरवाइज अब भूल जाओ कोई गुड इवनिंग करना, मैं तो कहता हूँ गुड मॉर्निंग कर दो भाई, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? गुड इवनिंग करो, गुड मॉर्निंग करो, इज इट रियली मैटर्स? अब यूकेपीएससी जे ही गया, अंग्रेजी गई, जितनी दिखानी थी दिखा दी, अब उसकी क्या जरूरत है? अब जिंदगी में हमारे काम आएगी नहीं अंग्रेजी। अगर हम कहीं पोस्टिंग भी मिली, कहीं पहाड़ों में मिली, तो पहाड़ों में भी अंग्रेजी कोई सुनेगा नहीं तुमसे, ठीक है। और जेई वालों को अंग्रेजी में वैसे भी कोई ज्यादा छेड़ता नहीं है, ठीक है। और इंटरव्यू में एक बात ध्यान रखना, जितने भी बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे हिंदी में बोलना, ठीक है, हिंदी में बोलना, नहीं तो इंटरव्यू के अंदर जो पैनल के अंदर आदमी बैठे होंगे वो हंस हंस के तुम्हारा इंटरव्यू वहीं मतलब वहीं पर फुल मार्क्स दे के चले जाएंगे तुम्हें, ठीक है, तो ध्यान रखना। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, अंग्रेजी में कोई कुछ ही बोलता रहे, ठीक है, हिंदी में नमस्ते होता है, चाहे सुबह को कर लो, चाहे दोपहर को कर लो, चाहे रात को कर लो, नमस्ते, ठीक है भाई, ये सबसे बढ़िया है ना, कोई झंझट ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉर्निस बच्चों मैंने आपको बताया, ये सीलिंग और दीवार का जो जंक्शन होता है वहां पर ये प्रोजेक्टेड कोर्स है, तो इसे हम सीलिंग बोलते हैं, कॉर्निस बोलते हैं। प्रोजेक्टेड ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है बच्चों सजावट, किसके लिए करते हैं? सजावट कोर्स, नियर वॉल टॉप और सीलिंग एंड वॉल जंक्शन, याद रखना बच्चों, ड्राफ्ट्समैन के लिए, यूजेवीएनएल के लिए बैच है और इस बैच के अंदर मैं पूरा कवर करा रहा हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लो, यू विल नॉट रिग्रेट। अपने 2000 रुपीज के बदले आप लोगों को 600 घंटे का एक कोर्स मिलेगा डायरेक्टली, जो आपको बिल्कुल रेडी है, और साथ में लाइव लेक्चर्स रोज मिल ही रहे हैं। और कल से रेलवे इंजीनियरिंग ड्राइंग चल चुका है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 4 लेक्चर हो गए हैं, पहली यूनिट के प्रैक्टिस करा दिए मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव्स की। और इसके साथ साथ बच्चों आप लोगों को मैं बता देता हूं, जितना भी कोर्स ड्राफ्ट्समैन का है वो सारा यूजेवीएनएल में भी इंक्लूड है, और यूजेवीएनएल में कुछ एडिशनल चीजें हैं वो आपको ड्राफ्ट्समैन के बाद समझाई जाएंगी, याद रखना ये बात। एसएससी जेई का बैच जून में शुरू हो रहा है, जो बच्चे एसएससी जेई का वेट कर रहे हैं, एडवांस बैच का वेट कर रहे हैं, वो जून तक वेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोपिंग, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोपिंग। कोपिंग क्या होता है बच्चों? कोपिंग होता है जब, देखो डायग्राम से देखो, पहले देखो टॉप में देख रहे हो, टॉप ब्रिक वर्क के जो टॉप है उस पे जो हमने काम कर दिया दैट इज कॉल्ड कोपिंग। ये देख रहे हो बारिश के पानी से बचा रहे हैं ईंटों को, ताकि अंदर पानी ना चला जाए या सीपेज ना हो अंदर ईंट के। तो ब्रिक वर्क के जो टॉप पर
ब्रिक वर्क के जो टॉप पर प्रोजेक्शन आप लगा देते हो, दैट इज कॉल्ड कॉपिंग, उसे कॉपिंग बोलते हैं। बात समझ आ रही है सभी लोगों को? कॉपिंग क्या होता है सर? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पूरा कोर्स करा देना यूट्यूब पर, चिंता मत करो बच्चों, हिमांशु चौहान चिंता मत करो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मैं कोर्स करा दूंगा। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर काफी बच्चे ऐड हो चुके हैं और एप्लीकेशन पे जो बच्चे ऐड हो रहे हैं उनकी फुल डे क्लास लूंगा मैं, लगभग 6-7 घंटे। यूट्यूब पे तो मैं एक आधा घंटा एक्टिव होऊंगा, लेकिन एप्लीकेशन पे मैं लगभग पूरा दिन एक्टिव रहता हूं। और अब मैं जो नई स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, पहले यूकेपीएससी के बाद भी मैंने चेंजेस किए हैं कुछ स्ट्रेटेजी में, मॉर्निंग 9 o'clock से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, और फिर 2 बजे तक चल दे, अभी तो इनिशियल फेज में तो 12-1 बजे तक चलेगी, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। शाम को 5 बजे से ईडी की क्लास शुरू हो जाएगी और रात को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है? जितने बच्चे ड्राफ्ट्समैन का कोर्स एप्लीकेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें रिस्क नहीं लेना है इस बार और किसी सस्ते और घटिया कोर्स के चक्कर में नहीं आना है, तो बच्चों याद रखना, मैं फिर से बता दूं, कई बच्चे पहले मेरे पास फोन आ चुके हैं, सर मैंने वहां से खरीद लिया था, मेरा ऐसा हो गया है, मैं आपसे खरीदना चाहता हूं। तो बच्चों पहले ही सोच समझ के इन्वेस्ट करो, इवन मेरे कोर्स में भी सोच समझ के इन्वेस्ट करना, ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे कंपेयर करो, अगर वो आपको रिलेवेंट लगता है, एग्जाम के लिए सेंसिबल लगता है चीजें, तो बच्चों मैं फिर बता देता हूं कि आप कोर्स परचेज कर लेना, बिल बेझिझक होकर परचेज कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों, बहुत ही चीजें ऐसी होती हैं जो समझ आए, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर मैं वो चीजें भी सिखा देता हूं जो बच्चे को फोर्सफुली सिखानी होती है, ठीक है ना? एप्लीकेशन डेडिकेटेड होता है, बच्चा मेरे से डायरेक्टली बात कर सकता है हैंड रेज करके, चैट बॉक्स में बड़े अच्छे से मैं देखता हूं उन लोगों को, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। मैं उनके असाइनमेंट्स कराता हूं, असाइनमेंट्स बच्चों एंड चैप्टर के एंड पे कराए जा रहे हैं, और असाइनमेंट के बाद बच्चों उनसे फीडबैक लिया जाता है, आपका क्या स्कोर रहा, कितना रहा, तो वो सब चीजें एप्लीकेशन पे आपको एडिशनल मिल जाती हैं। अदरवाइज सिलेबस यहां पे भी कंप्लीट होगा, यहां पर आप लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने पड़ेंगे। वहां पर बच्चों एक यूनिफाइड कोर्स है, आप एक रूम के अंदर बैठे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। यूट्यूब पे पढ़ाई करने का मतलब है खुले मैदान में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो, ये दो डिफरेंस होते हैं एप्लीकेशन पे पढ़ने पर और यूट्यूब पे पढ़ने पर, ठीक है ना? यूट्यूब पे पढ़ने का मतलब है इट इज लाइक ए ओपन ग्राउंड, आपका कोई इधर क्रिकेट खेल रहा है, कोई इधर डांस कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, तो यूट्यूब इज लाइक ए ओपन फील्ड जहां पर हर तरह की एक्टिविटी चल रही है। एप्लीकेशन इज ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है बच्चा जैसे ही वो एप्लीकेशन के अंदर डाइवर्ट होता है, ठीक है? यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, एक वीडियो पढ़ाई की देखी, 4 मस्ती की देख ली, तो वो सारा सफा चट हो गया जितना पढ़ा था। तो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है यूट्यूब के लिए। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे ये बता रहा था मैं आप लोगों को कोपिंग, कोपिंग स्टोन कंक्रीट के टेरेस को, मतलब टेरेस पर जो बच्चों वॉल होती है उसे कवर करते हैं। बेसिकली आपको दिखी गई है जो टेरेस या जो सबसे ऊपर की वॉल होती है उसके टॉप पर जो हम ऐसे करके वर्क बना देते हैं ताकि बारिश का पानी गिरे तो वो इधर उधर गिर जाए, सीधा दीवार के अंदर सीप ना कर जाए, अदरवाइज वो दीवार के अंदर सीप करेगा तो अंदर जो फ्लोर होगा वहां पर भी जा सकता है, अंदर जो फ्लोर होगा वहां पर भी जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कोपिंग, याद रहेगा। तो मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ा दी, मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी, मैंने आपको ये कॉर्बेल होता है, ये कॉर्बेल होता है, कॉर्निस क्या होता है, कॉर्निस ये होता है, कॉर्निस की डेफिनेशन बता दी, कॉपिंग क्या होता है, कॉपिंग ये दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड कॉपिंग। तो इस तरीके से बच्चों चीजों को पढ़ने से, विजुअल्स के साथ चीजों को पढ़ने से इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेंगे, ठीक है ना? जो एग्जाम में आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेंगे। याद रखना अपने ऑनलाइन कोर्स में ड्राफ्ट्समैन के जो एप्लीकेशन में पढ़ा रहा हूं वो बच्चों याद रखना, मैं ड्राफ्ट्समैन के कोर्स में जो ईडी पढ़ा रहा हूं वो मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं किसी और से नहीं पढ़वा रहा हूं ईडी, ठीक है? ताकि बच्चों को बेहतर समझ आए। अच्छा, इसमें एक बात और बता देता हूं, जो मेरा नंबर है वो लिख लेना, जिन बच्चों को व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करना है, नहीं समझ आ पा रहा है कोर्स कैसे बाय करना है, 9045158286, ठीक है? दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, आप यहां पर चैट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई, हमने ब्रिक मैसनरी का बेसिक सीख लिया, ये बेसिक सारा हमने सीख लिया, आयरिश क्वीनिंग ये हमने पूरी कहानी देख ली है, ये पूरी कहानी हमने देख ली है, यहां तक एरिस देख लिया है, क्विन देख लिया है, ट्विथिंग देख ली है, हम लोगों ने स्पाल जैम कॉर्बल गैबल, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली है, कॉर्निस कॉपिंग हमने देख ली है, ठीक है? ये सब चीजें हम देखने के बाद आते हैं बोन्ड्स इन ब्रिक। क्या क्या बोन्ड्स है? स्ट्रेचर बोन्ड है, हेडर बोन्ड है, इंग्लिश बोन्ड है, फ्लेमिश बोन्ड है, फ्लेमिश में भी दो है, सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश, फेसिंग बोन्ड है, इंग्लिश क्रॉस बोन्ड है, ब्रिक ऑन एज बोन्ड है, डच बोन्ड है, रैकिंग बोन्ड है, रैकिंग बोन्ड है, जिगजैग बोन्ड है, गार्डन वॉल बोन्ड है। तो ये सारे ब्रिक वर्क के बोन्ड्स हैं बच्चों, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में।
याद रखना ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ड्राफ्ट्समैन UJVNL दोनों कोर्सेज लाइव हैं। अगर दोनों कंबाइंड चाहिए तो 3500, अगर ड्राफ्ट्समैन चाहिए, ड्राफ्ट्समैन का फिलहाल प्राइस है 1999। याद रखना ये प्राइस कुछ ही दिनों में 2500 होगा और उसके बाद ये 3000 हो जाएगा और 3500 इज द लास्ट प्राइस। ये वाला कोर्स बढ़ के जाएगा 5000 तक, ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी अर्ली बर्ड्स हैं उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं अपना जो भी डिस्काउंट आप लोगों को चाहिए, ठीक है। पवन चमोली, हम लोग रुड़की में है एम कैंपस के नाम से, एम कैंपस हमारी कोचिंग है, रुड़की के अंदर है, ठीक है। अगर हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम का लिंक भी है। पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको एप्लीकेशन में जुड़ना पड़ेगा। ये पीडीएफ फाइल सारी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी, जिनमें आपको इमेजेस के थ्रू समझाया गया है। ये सारी फाइल्स आपको बच्चों हर सब्जेक्ट की ऐसे ही मिलेगी। इस बार जो बच्चा ऑफलाइन कोर्स कंटिन्यू कर रहा है उसे हैंड रिटन मटेरियल मिलेगा, और जो ऑनलाइन का बच्चा हैंड रिटन मटेरियल बुकलेट की फॉर्म में अपने घर मंगवाना चाहता है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उसके घर में कोरियर शिपिंग कर देंगे, ठीक है। कोरियर के द्वारा आपका मटेरियल आप तक पहुंचा देंगे, हैंड रिटन मटेरियल, ठीक है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूड होंगे, जिसमें आपकी सब चीजें इंक्लूड होंगी। और जो ड्राफ्ट्समैन और UJVNL का कोर्स है उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, असाइनमेंट्स इंक्लूडेड है, सब चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बच्चों, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, फिर भी मैं उतना बेहतर नहीं पढ़ा पाता हूं, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाता हूं, क्योंकि वहां बच्चे बहुत ही डेडिकेटेड होके बैठते हैं। तो प्लस प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म पे डेडिकेशन ज्यादा आ जाता है, बच्चों की एनर्जी भी अच्छी होती है, हमारी एनर्जी भी अच्छी होती है। यूट्यूब पे मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है पढ़ाने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को सभी को ये चीज समझ आ जाए, जितने बच्चे उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, अर्ली बर्ड्स के लिए ही डिस्काउंट है, ये बात ध्यान रखना, और किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अगर है तो वो भी अलग से कॉल करेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ लेते हैं, ये हमारे अलग अलग बॉन्ड है जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो कितने तरह के बॉन्ड है ये सारे मैंने आपको दिखाए, लेकिन बच्चों जो बॉन्ड आपने पढ़े होंगे और जो बॉन्ड पढ़ाए जाएंगे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इतनी बारीकी, इतनी बेसिक चीजें आपको बताऊंगा और आप कहेंगे हाँ सर ये तो क्वेश्चन में फलाना की टेस्ट सीरीज में दे रहा था, वहां मेरा बना नहीं, अब बन गया, ठीक है। तो बारीकी है इन बॉन्ड्स में, सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रेचर लगाया, फिर एक रद्दा लगाया कोई हाफ क्लोजर टाइप का और फिर दोबारा स्ट्रेचर लगा, ऐसे नहीं होता। कॉर्नर जो होता है ना, वहां पर क्या बॉन्ड बिहेव करेगा, वहां पर कैसा चीज लगना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों बॉन्ड में। कॉर्नर और जंक्शन, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉन्ड। अगर क्वेश्चन किसी को कंफ्यूज करा तो वो यहां करेगा, अदरवाइज जितने भी बच्चों ये बॉन्ड पढ़ेंगे उन्हें अपने से पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अपने से पढ़ने में दिक्कत आएगी कॉर्नर्स पे और जंक्शन पे, ये बात मैं बता देता हूं। और ये सारी कहानी बच्चों हम कल के दिन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एंड करते हैं अपने कोर्स को, आज के दिन जो पढ़ाया उसे देख लेना। ये सारा कोर्स मैं एप्लीकेशन में आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे ड्राफ्ट्समैन का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करें, एप्लीकेशन में आ जाएंगे, स्टोर में जाएंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं ड्राफ्ट्समैन में। सिर्फ 2000 रुपीस फीस है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों मैं सेशन एंड करता हूं, आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, आप लोगों को पूरा सेशन पसंद आया होगा, पूरी कहानियां समझ आ रही होंगी, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने कराए वो भी आपको समझ आए होंगे, और जो मैंने और कहानियां बताई थी इससे पहले वो सारी आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने पूरा का पूरा कैम्फर्ड जो भी मैंने बताया वो डायग्राम के साथ बताया, इसीलिए आप लोगों को हो सकता है बेहतर समझ आए किसी और प्लेटफॉर्म से जैसा मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एजलर मैसनरी का मैंने एग्जांपल दिया, आप देख सकते हैं हिली एरिया में ज्यादातर स्टोन मैसनरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हिली एरिया में स्टोन्स इजीली अवेलेबल होता है, केवल उसकी ड्रेसिंग करने की देर होती है, ठीक है। ये सारे कंटेंट मैंने पढ़ा दिए हैं आप लोगों को बच्चों ऑनलाइन यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, चैनल के ऊपर क्लिक करना, प्लेलिस्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, वहां पर जाना, पुरानी दो वीडियो और ये तीसरी नई वीडियो भी दिख जाएगी। अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं यूट्यूब पर, ठीक है भाई। गुड नाइट सर, गुड नाइट भाई, गुड नाइट निशांत, गुड नाइट सभी बच्चों को। लाइक नहीं करके जा रहे हैं बच्चे, इट मीन्स यू आर नॉट लाइकिंग द लेक्चर।